दोस्तों, अब आप अपने टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन कर सकते हो किसी भी टेलीग्राम चैनल में, चाहे उस टेलीग्राम चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो या फिर 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो। आप बड़ी आसानी से अपने टेलीग्राम चैनल को प्रमोट कर सकते हैं उन बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल्स में। कैसे, जानने के लिए आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दो, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं। यदि आपने अपना टेलीग्राम पर एक चैनल बना लिया है और आपका टेलीग्राम चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है, और उसी कैटेगरी के, जिस कैटेगरी का आपका टेलीग्राम चैनल है, उसी कैटेगरी के काफ़ी सारे चैनल ग्रो कर गए हैं, उनमें 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और आप उन सब्सक्राइबर को अपने टेलीग्राम चैनल में लाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ने अपनी नई अपडेट में एक बड़ी मस्त चीज़ आपको दे दी है। उससे आप अपने टेलीग्राम चैनल में किसी भी बड़े टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर को ला सकते हैं। कैसे, आपको दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन करना पड़ेगा उन टेलीग्राम चैनल्स में। इस तरह से ये देखिए, जब आप अपना प्रमोशन करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे किसी भी बड़े टेलीग्राम चैनल में, तो इस तरह से आपका टेलीग्राम चैनल उनके चैनल्स में दिखाई देगा, और उस टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर आपके टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करके आपके टेलीग्राम चैनल में आ जाएंगे। अब दोस्तों, कैसे आपको प्रमोट करना है उसको, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं, एक बहुत जरूरी बात है जो आपको एंड में पता चलेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको कैसे प्रमोट करना है अपने टेलीग्राम चैनल को किसी भी बड़े टेलीग्राम चैनल में। तो उसके लिए सिंपली आपको एक वेबसाइट पर आना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट को इस वेबसाइट से ऐड कर लेना है। दोस्तों, ये वेबसाइट टेलीग्राम की ही है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी आप सोचो कि भाई ये फेक तो नहीं है, ये टेलीग्राम की ही वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको आना है। इस पर आने के बाद यहाँ पर ये देखिए, आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कंट्री कोड के साथ अपना वो मोबाइल नंबर डाल देना है जिस मोबाइल नंबर से आपने अपना टेलीग्राम पर एक अकाउंट बनाया हुआ है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके टेलीग्राम अकाउंट पर एक मैसेज जाएगा इस तरह से। वहाँ पर ये देखिए, कन्फर्म का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इस वेबसाइट पर आ जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट है, वो इस वेबसाइट से ऐड हो जाएगा, मतलब कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट होने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, और यहां पर आपको दिखाई देगा क्रिएट ए ऐड का ऑप्शन, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज खुलेगा जिसमें आपको सारी डिटेल अपनी भर देनी है। मतलब डिटेल क्या, अपने टेलीग्राम चैनल का नाम, लिंक, कैटेगरी, और आप अपने टेलीग्राम चैनल में क्या बताते हैं, वो सारा लिख देना है। जैसे ये देखिए, सबसे पहले आपको टाइटल देना है कि भाई आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो किस टॉपिक पर है, किस निश पर है, तो यहाँ पर आपको टाइटल दे देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे बताना है कि आप अपने टेलीग्राम चैनल में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब क्या कंटेंट आप अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड करते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों, आपको उस टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर डाल देना है जिस टेलीग्राम चैनल में आप अपने टेलीग्राम चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, नीचे आपको सबसे पहले एक्टिव पर क्लिक करना है। एक्टिव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक डेट डाल देनी है, वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है जिस डेट तक आप अपने टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन करवाना चाहते हैं बड़े टेलीग्राम चैनल में, वो डेट यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ। डेट डालने के बाद यहाँ पर आपको दोस्तों अपना जो बजट है वो यहाँ पर डाल देना है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर मैं बजट डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, आपका डेली बजट क्या है वो डालना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि भाई आप एक यूज़र को कितनी बार अपने चैनल्स को दिखाना चाहते हैं, अपने ऐड को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप एक ही सिलेक्ट करें, या फिर आप 2 कर सकते हैं, 3 या 4 ना करें, आप सिर्फ 2 तक यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको उस टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर डाल देना है जिस टेलीग्राम चैनल में आप अपने टेलीग्राम चैनल को प्रमोट करना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों, आप मल्टीपल टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल सकते हैं, 1 से 2, 2 से 3, कितने भी आप चाहें उतने टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। मतलब जितने भी टेलीग्राम चैनल में आप अपने टेलीग्राम चैनल को प्रमोट करवाना चाहते हैं, उसका प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर प्रमोशन वगैरह तो सब हो गया।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बजट भी आपको डाल देना है सारा। बजट वगैरह डालने के बाद, ये सब फॉर्म भरने के बाद आपको सिंपली नीचे टिक पर क्लिक करना है। टिक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए आपको क्रिएट ऐड पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले बैलेंस ऐड कर लो। बैलेंस ऐड करने के बाद ऐड फंड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप एक नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे, फिर से आपको ऐड फंड पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि भाई आप एक वॉलेट से यहाँ पर कनेक्ट कर लीजिए इस वेबसाइट को या फिर अपने टेलीग्राम चैनल को। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे टेलीग्राम पर, अपने टेलीग्राम अकाउंट पर। टेलीग्राम अकाउंट पर पहुँचने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर सर्चिंग चलेगी। सर्चिंग चलने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक वॉलेट आ जाएगा, और वॉलेट आने के बाद यहाँ पर ये देखिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये जो आपका जो टेलीग्राम पर जो वॉलेट खुलेगा वो ऐड हो जाएगा इस वेबसाइट से। अब वॉलेट ऐड होने के बाद आपको इसमें फ़ंड ऐड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर मैं फ़ंड ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल का प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, और ये थोड़ा कॉस्टली भी है, इसलिए मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि भाई इसमें फ़ंड ऐड कैसे करते हैं, तो आप कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बता सकते हैं, मैं एक नेक्स्ट वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा। उसके बाद दोस्तों जब आप फंड ऐड कर लेंगे इसमें, फ़ंड ऐड करने के बाद वॉलेट में फ़ंड ऐड करने के बाद आपको वेबसाइट में फ़ंड ऐड करना है, मतलब बैलेंस ऐड करना है। बैलेंस ऐड करने के बाद आपको अपने ऐड को रन कर देना है। जैसे ही आप अपने ऐड को रन करेंगे तो इस तरह से आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो उन बड़े बड़े टेलीग्राम चैनल में दिखाई देना शुरू हो जाएगा जिनको आपने सेलेक्ट करा है, मतलब जिनका लिंक आपने इस वेबसाइट पर डाला था प्रमोशन के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि वो क्या है, उसके बिना आप अपने टेलीग्राम चैनल का ऐड नहीं लगा पाएंगे किसी भी टेलीग्राम चैनल में। वो क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आप अपने जिस टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन करना चाहते हैं वो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप जिस टेलीग्राम चैनल में अपने टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन करना चाहते हैं, उसको प्रोमोट करना चाहते हैं, वो भी प्राइवेट नहीं होना चाहिए, वो भी पब्लिक होना चाहिए। अगर वो प्राइवेट होगा तो दोस्तों आपका ऐड रन नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात, ग्रुप नहीं होना चाहिए, आपका भी ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसमें आप प्रमोट कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल को, वो भी ग्रुप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सुविधा सिर्फ चैनल्स के लिए आई है, ग्रुप के लिए अभी ये नहीं है। जैसे ही ये ग्रुप के लिए होगी उसके बारे में भी इस चैनल पर ही आपको बता दिया जाएगा। उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पर क्लिक करके रखो, ताकि जब भी इसके बारे में कोई अपडेट आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने टेलीग्राम चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल का प्रमोशन कर सकते हैं किसी भी बड़े टेलीग्राम चैनल में, और आप अपनी निश से रिलेटेड सब्सक्राइबर ले सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, वो भी जेन्युइन तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।